हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। हम अपना चैप्टर शुरू किए थे क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम एनालिसिस देखे थे, कुछ इंडेक्सेस देखे थे और हम कुछ लिमिट वगैरह देखे थे, है ना। उसके बाद हम पढ़ रहे थे इसमें डिटर्मिनेशन, यानी हम टेस्ट कर रहे थे लैब में, यानी प्रैक्टिकल कर रहे थे। उसमें हम एक डिटर्मिनेशन पढ़े थे, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। उस डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट में हम देखे थे आपका एक कैसा ग्रांड उपकरण द्वारा 25 बार ऐसा क्या किया था आपका, मतलब आघात, है ना, 25 बार आघात करने पर वो जो आप खांचा काटे थे भर गया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट। आज हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट का ही हम आज भी क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, है ना, यानी द्रव सीमा को हम प्रैक्टिकल प्रयोगशाला विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। दूसरा मेथड है, इसका नाम है मानक शंकुवेधन विधि द्वारा। किसके द्वारा, मानक शंकुवेधन विधि द्वारा। अब शंकु कहाँ दिख रहा है, यही शंकु दिख रहा है ना, 31 अंश। अब समझिएगा, सॉइल में क्या होगा ना, मैक्सिमम चीज़ें जब चैप्टर शुरू होगा तब हम आपको अच्छे से कंसेप्ट समझाएंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन हर चैप्टर की बात कर, हर चैप्टर में आधा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका प्रयोग आ जाता है। प्रयोग समझ रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मतलब वो IAS कोड है ना, IAS कोड यानी इंडियन स्टैंडर्ड, आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा टेस्ट करना है, तो उसी को हम लोग क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है। तो टेस्ट में किंतु परंतु कहने का मतलब आप ये पूछ सकते हैं क्यों 31 अंश, तो इसका कोई रिप्लाई नहीं होगा कि 31 अंश ही क्यों इसका लेते हैं। आप ये पूछ सकते हैं डाया क्यों 30 mm कह लिए हैं, तो इसका भी आंसर नहीं मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। आप कहेंगे 148 ग्राम ही लोड क्यों है, तो ये सब नहीं हो करना है, किसमें ये सब क्वेश्चन नहीं उठाना है टेस्ट वगैरह में, है ना। बाकी थ्योरी हम पढ़ेंगे तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ये आपका बता दिया गया कि ऐसा होता है तो ऐसा आपको मान लेना कि ऐसा हम लोग करेंगे टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका मानक शंकुवेधन विधि द्वारा जलांश क्या है लिक्विड लिमिट, यानी द्रव सीमा आपका ज्ञात करना, ठीक है। और द्रव सीमा ज्ञात करने की पहली विधि क्या था, कैसा ग्रांड उपकरण विधि द्वारा, ठीक है ना, इसे हम लोग समझिएगा। अब क्या है इसमें ना, इसमें कुछ नहीं है भाई, ये सबसे ईजी होता है। क्या है कि एक सॉइल लेना है, क्या लेना है आपको, सॉइल लेना है, उसमें क्या मिलाना है, वाटर, है ना। अब देखिए इस सॉइल को क्या करते हैं ना, हम चाल लेते हैं, है ना, सॉइल को क्या करते हैं, चाल करके भट्टी में सुखा लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या मिलाते हैं, सॉइल में क्या मिलाएंगे हम, वाटर मिलाएंगे, सॉइल में क्या मिलाएंगे, वाटर, है ना, वाटर मिला के उसके अच्छे से गूंथ लेंगे और मिला देंगे। उसके बाद इसको किस में रख देंगे, इस सांचे में, है ना, बेलनाकार सांचे में इसको रख देंगे, बेलनाकार सांचे में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद मिट्टी इसमें रख देंगे, और जो ए क्या है आपका, शंकु है ना, ये आपका क्या है, शंकु। अब शंकु क्या है, ऊपर से ला के इसे हम शंकु को क्या कर देंगे, टच करा देंगे। देखिए क्या किया, ये समझ लीजिए एक तरह से मिट्टी है, है ना, क्या है ये आपका मिट्टी है, शंकु को क्या करेंगे, टच करा देंगे। और इस पर हम यानी इसका, इस पूरे शंकु का ये जो राड गया हुआ है ना, ये पूरे का भार कितना है, 148 ग्राम, कितना भार है आपका, 148 ग्राम भार। अब क्या होगा, यहाँ से जो है देखिए, यहाँ स्क्रू बना हुआ है, क्या बना हुआ, स्क्रू, स्क्रू को जब हम खोलेंगे तो ये टोटल लोड किस पे आ जाएगा आपका, सॉइल पे आ जाएगा, है ना। और यहाँ स्केल है, स्केल से हम नोट कर लेंगे कितना आपका मिट्टी में धंस रहा है, बात को समझ रहे हैं, ये धीरे से नीचे आएगा तो स्केल पे हम नोट कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब समझिए, अच्छा समझते हैं, एक सांचा है, सांचा में मिट्टी भरेंगे, उसके बाद मिट्टी को हम शंकु से टच करा देंगे ना, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, नीचे लाने के लिए व्यवस्था, यहाँ स्क्रू लगा है, स्क्रू को ढीला करेंगे तो ये जो ऊपर से नीचे ग्राम तक लोड है ना, 148 ग्राम पूरा नीचे आएगा, टच करा के कस देंगे, टच करा के अभी कस दिए हैं, डाटा रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको ढीला करेंगे तो टोटल लोड किस पे आ जाएगा, सॉइल पे, सॉइल पे लोड आ जाएगा। हम मान लेंगे कि 30 सेकेंड में 10 mm धंस गया। अब कहाँ से 10 mm नोट करेंगे, यहाँ नोट करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे 30 mm यानी 30 सेकेंड में 10 mm धंसा। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरे मिट्टी में पानी मिला करके फिर इसमें भरेंगे, फिर वही काम करेंगे, देखेंगे अब 30 सेकेंड में 15 mm धंस गया, है ना। फिर उसको निकालेंगे, फिर पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो देखेंगे हम 30 सेकेंड में 50 mm धंस गया।
अब क्या करना है, फिर पानी की मात्रा कम करना है। हमको क्या लाना है कि उसमें उस मिट्टी में पानी की उतनी मात्रा चाहिए जितने पर 30 सेकेंड में 25 mm क्या क्या हो जाए, धंस जाए। यानी मिट्टी में पानी की वह मात्रा जिस मात्रा पर शंकु 30 सेकेंड में 25 mm धंस जाती है, पानी की उस मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विड लिमिट। क्लियर हुआ, आसान है, कुछ नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट। वैसे ही आपका कैसा ग्रांडो उपकरण था, यानी 25 बार आघात करने पर खांचा भर जाता, तो उसे हम कहते हैं क्या, लिक्विड लिमिट। तो आपका क्वेश्चन एक कभी नहीं होना चाहिए कि सर क्यों 30 सेकेंड पे 25 mm है ना, क्योंकि IS कोड द्वारा बताया गया है, तो ऐसा हमको फॉलो करना है, ठीक है। ये आपका इसमें पूछ नहीं सकते आप। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, कुछ है ना, समझ आ रहा है। अब प्लास्टिक लिमिट आपको फिगर पता होना चाहिए, प्लास्टिक लिमिट वगैरह कैसे मिलते हैं, जैसे कि यही तो फिगर है आपका, है ना। चलिए बताइए आप लोग, इसे क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, और क्या कहते हैं इसे, लिक्विड स्टेट, है ना। एक है आपका लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूमेट लिक्विड लिमिट, वॉल्यूमेट प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूमेट श्रिंकेज लिमिट, या वॉल्यूमेट ड्राई कंडीशन, दोनों में VS/VD क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या ज्ञात कर लिए, लिक्विड लिमिट। ज्ञात करने की दो विधि, कैसा ग्रांडे उपकरण मेथड और मानक शंकु भेदन विधि द्वारा, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट करेंगे हम। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिक लिमिट में क्या करेंगे, बहुत आसान है, समझिएगा। इसमें क्या करेंगे कि मिट्टी लेंगे, मिट्टी को ना चालनी में क्या करेंगे, चार लेंगे। कौन किस चालनी में, 425 माइक्रॉन। किस चालनी में, 425 माइक्रॉन के चालनी में क्या करेंगे, हम चार लेंगे। उसके बाद इस मिट्टी को क्या करेंगे, हम भट्टी में सुखाएंगे। क्या करेंगे, भट्टी में सुखाएंगे। भट्टी में सूखने के बाद इसमें हम आसुत जल मिलाएंगे, जो एकदम शुद्ध रहता है। क्या मिलाएंगे, हम आसुत जल मिलाएंगे। अब उस आसुत जल को छोटे छोटे बाल बनाएंगे, समझ रहे हैं, छोटे छोटे क्या बनाएंगे, उसका हम बाल बनाएंगे। कितना, इतना छोटा छोटा हम क्या करेंगे, उसका हम बाल बनाएंगे। बाल मतलब गेंद वाला बाल, ये वाला बाल नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, हम बाल बनाएंगे, उसको शीशे पर रख के आप फिगर बनाए देखिएगा, किस में होगा आपका, बुक में दिया है। छोटे बाल बना करके शीशा का प्लेट के ऊपर रख के उसका हम क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धागा। पानी की मात्रा कम है तो धागा बनेगा अच्छे से, नहीं बनेगा। अब सिंपल सा देखिए ना, बचपन में तो छोटे ही होंगे, बचपन में जब आपकी मम्मी रोटी बनाती होंगे तो आप क्या करते हैं, रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा लेके ऐसा ऐसा करते हैं, हो सकता है कोई मोछी बनाता हो, है ना, तो ऐसा ऐसा करते हैं अपना, तो सेम वैसा ही करना है। तो अब बताइए, जब आटा का ऐसा ऐसा किए हैं, जब मम्मी आपके आटा अच्छे से नहीं, मम्मी तो अच्छे से गूँथेंगे, यदि आप अच्छे से आटा नहीं गूँथते हैं, पानी कम है तो ऐसा करेंगे नहीं, ज़्यादा पतला करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और उस मतलब कि हम मिट्टी के आ रहे हैं, मिट्टी में यदि कम पानी है तो ऐसा करेंगे तो बन नहीं पाएगा धागा, या फिर ज़्यादा पानी डाल देंगे तब तो धागा वैसे ही नहीं बनेगा। तो पानी की, मिट्टी में पानी की वह मात्रा जिस मात्रा पर 3 mm का धागा बन जाए, ठीक है। कितने mm का धागा, 3 mm का धागा, 3 mm का धागा बन जाए। उसके बाद अभी हम रोल करेंगे शीशे पर रखकर, 3 mm का धागा बनने के बाद, जब अभी रोल करेंगे, 3 mm धागा बनने के बाद धागा क्रेक होने से जस्ट पहले, क्योंकि 3 mm का धागा बन गया, अब उसके बाद और उसको रोल करेंगे तो क्या होगा, वो कभी ना कभी तो क्रेक होगा। तो 3 mm का धागा ही क्रेक करना है, उससे पतला नहीं जाना है। 3 mm धागा बनने के बाद वो धागा क्रेक होने से पहले जो उसमें जल की मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट। क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट में क्या है, कुछ नहीं है, 425 माइक्रॉन की चालनी चालेंगे, फिर उसे भट्टी में सुखाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, आसुत जल मिला के उसको पेस्ट बनाएंगे, फिर छोटे छोटे बाल बना के शीशे के प्लेट पे उसको रख कर 3 mm का धागा बनने के बाद उसके टूटने से जस्ट पहले उसमें जल की मात्रा को क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट। ये आसान है, और आसान के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टिक लिमिट आसान भी है इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपका कैसा ग्रांडे भी इम्पॉर्टेंट है, ये मानक वेधन वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
क्या होता है कि लड़के बस सुन जाए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अरे छोड़ते हैं सर बोले इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब दो लोगों में कंपेयर किया जाता है ना, तब कहा जाता है कि लेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आता है। आगे बढ़ें, सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या करना हमको, डिटरमिनेशन ऑफ क्या आपका श्रिंकेज लिमिट है ना, ये श्रिंकेज लिमिट क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो देखिए श्रिंकेज लिमिट में क्या है, हम क्या बताए थे, यानी पानी के श्रिंकेज लिमिट में कुछ नहीं, हम सिंपल से बता दे रहे हैं, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें दिया हुआ, यानी पान, ठीक है फिगर बना देते हैं, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, ऐसा ही तो था है ना, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, ठीक है। यानी देखिए यही आपका है श्रिंकेज लिमिट, यानी पानी की वो अधिकतम मात्रा जिसको कम करने पर आयतन क्या है आपका कंस्टेंट है, यानी आयतन में कमी नहीं होती है, पानी की वो मात्रा जिसको कम करने पर आयतन कम नहीं होता है उसे हम कहते हैं, उस लिमिट को पानी की मात्रा कहेंगे श्रिंकेज लिमिट। जैसे समझिएगा ए आ गया क्या, सेचुरेटेड कंडीशन, सेचुरेटेड मतलब कम्प्लीटली सेचुरेटेड की बात कर रहे हैं हम, पार्शली सेचुरेटेड नहीं लिखें, सेचुरेटेड मतलब इसमें क्या क्या रहेगा आपका, वाटर रहेगा और क्या रहेगा आपका, एयर रहेगा, है ना, वाटर रहेगा और एयर रहेगा। इसके बाद समझिएगा यदि इसका आयतन वी वन है और भार डब्लू वन है, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम गर्म करके, यानी वाटर रहेगा, अरे क्या लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा सॉलिड, ये आपका हो जाएगा आपका वाटर, है ना, सेचुरेटेड है सॉलिड वाटर, उसके बाद इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, सॉलिड तो रहेगा उतना ही, सॉलिड में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन वाटर क्या हो जाएगा थोड़ा सा घट जाएगा, तो यानी आपका वी टू हो गया और डब्लू टू हो गया, क्योंकि वाटर उड़ा है तो भार भी कम हो जाएगा और आयतन भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा उसके बाद और इसको गर्म करिए, ठीक है, और गर्म कर दिए तब क्या होगा, आपका सॉलिड तो सॉलिड रहेगा और ये आपका वाटर है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी टू हो जाएगा और वी थ्री और डब्लू थ्री हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, और गर्म करना है, जब और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके जगह पे, अब समझिएगा इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सॉलिड और एयर आ जाएगा, है ना, लेकिन वी थ्री और डब्लू फोर, मतलब समझिएगा क्या हुआ, ये आपका ड्राई कंडीशन है, यानी इन तीनों में देखिए ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, समझिएगा ए में क्या हुआ, जब ए को गर्म किए हैं तो कुछ वाटर का लॉस हुआ है, वाटर के लॉस होने के कारण वाटर कम होगा तो देखिए आयतन भी कम हुआ है और क्या हुआ आपका भार भी कम हुआ है, लेकिन सी में देखिए, सी में क्या हुआ आपका, वाटर कम हुआ, वाटर कम होने के साथ साथ देखिए वी टू से वी थ्री हो गया, आयतन भी कम हुआ लेकिन क्या हुआ भार भी कम हुआ। लेकिन जैसे हम सी से डी पर गए हैं ड्राई कंडीशन में, है ना, मिट्टी में गए हैं, ड्राई सुखा दिए हैं, तो देखिए आयतन क्या कम हुआ, नहीं, आयतन पहले भी वी थ्री था, अभी आयतन क्या है आपका वी थ्री है, लेकिन भार क्या हो गया कम हो गया, डब्लू थ्री से भार कितना हो गया डब्लू टू, मतलब क्या हुआ जो आपके सॉइल के अंदर का वाटर था वो तो उड़ गया, है ना, वाटर ख़त्म हो गया, तो वाटर की जगह जो वाटर था उसके जगह क्या भर गया, हवा भर गया, इसलिए आयतन उसका कम नहीं हुआ, वाटर कम्प्लीटली वाटर के वॉइड को क्या भर दिया कम्प्लीटली, वहाँ एयर आ गया है इसलिए उसका आयतन कम नहीं हुआ। लेकिन भाई वाटर उड़ गया यहाँ से तो भाई डब्लू, वाटर का तो भार होता है ना, तो डब्लू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, क्योंकि हवा का भार नहीं होता, तो समझ गए होंगे, यानी जलांश, यानी क्या है कि पानी में जलांश की वो मात्रा जिसको घटाने पर उसके आयतन में किसके सॉलिड के यानी सॉइल के आयतन में परिवर्तन नहीं आता है, तो पानी की उस मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, श्रिंकेज लिमिट, है ना, देख लीजिए हम फिगर बनाए थे अच्छे से, ये समझाए थे शायद ना, क्लास लिए उस वाला कई दिन हो गया ना, अब प्रॉपर आएगा तो थोड़ा बोल रहे हैं क्या पढ़ा दिए क्या नहीं पढ़ाए, ये देखिए ये आपका है लिक्विड लिमिट, ये आपका प्लास्टिक लिमिट, ये क्या है आपका श्रिंकेज लिमिट, है ना, यानी ये देखिए एक क्या वाटर की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इसके बीच में भी देखिए हम इसके बाद डायरेक्ट ड्राई कर दिए हैं, इसके बीच में भी अभी वाटर आ सकता है, ठीक है,
यानी इसके बाद देखिए, इसके बाद पानी की मात्रा कम कर रहे हैं, लेकिन आयतन क्या कम हो रहा है? नहीं, आयतन क्या है आपका? कंस्टेंट है। पानी की मात्रा कम करिए लेकिन आयतन कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कम हो रहा है? क्योंकि जितना वाटर आपका उड़ रहा है ना, जहाँ पानी इसमें से ख़त्म हो रहा है, उसके जगह कौन आ जा रहा है? उसके जगह आ रहे हैं आपके एयर। उसके जगह कौन आ जा रहे हैं? आपके एयर आ जा रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, लेकिन भार तो कम होगा, इतना तो कन्फर्म है ना, इसका भार कम होने वाला है। तो एक कम्प्लीट हुआ क्या? डिटर्मिनेशन यानी प्रयोग विद। क्या पढ़े हम? लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन किए हैं, प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन किए हैं, श्रिंकेज लिमिट का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बताइए? दो चीज़ें सबसे ज़्यादा, कैसा ग्रांडे और प्लास्टिक लिमिट ज्ञात करना, ये दोनों सिमिलर इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? शंकु बेधन विधि द्वारा श्रिंकेज लिमिट वाला कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है आपका? कम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये छूटा हुआ था ना, और कोई छूटा हुआ हो तो आप लोग बताते नहीं हैं, आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है, कोई छूटा हो तो बता दिया करिए। और अब हम जंप करेंगे किस पे बताइए? और देखिए, कुछ चीज़ें हैं तो आपको पढ़ लेना पड़ेगा, उसमें बताने वाली नहीं है। जैसे कि हम कह दें कि बुक में क्या दिया है बुक में, वेट ए मिनट, कह रहा है अटर वर्ग सीमाओं का महत्व बताइए। तो अटर वर्ग सीमा का तो महत्व बता सकते हैं ना, है ना, कि द्रव सीमा, सुगटता सूचकांक का, क्योंकि अटर वर्ग लिमिट में तो लिक्विड लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट मिलेगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो इसका उपयोग मृदा के पहचान वर्गीकरण में होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा क्ले है, कौन सा है ना, इससे पता चलता है कौन कोहेजन है, कौन कोहेजन लेस है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आप इंजीनियर हैं फिफ्थ सेमेस्टर वाले। ठीक है, उसके बाद कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो हमको बताइए, हमको डाउट हो रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, तो हमको डाउट मत होने दीजिए, आप लोग क्लियर कर दीजिए सब कुछ। वो कैसे करेंगे? पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, उसके बाद शेयर करके। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। अभी तक हम अपना चैप्टर शुरू किए थे क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, है ना। उसमें क्या बताए थे कि सबसे पहले हम सॉइल का क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है ना। सॉइल को हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका नेचर क्या है, इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद हम पहचानने के बाद उसका क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जैसे आप पढ़े होंगे सॉइल कई प्रकार से होता है, तो कुछ प्रकार के सॉइल को हम एक कैटेगरी में रख देते हैं, कुछ प्रकार के सॉइल को हम एक कैटेगरी में, यानी सॉइल के अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं। उनका बिहेवियर या फिर इंजीनियरिंग बिहेवियर या फिर टाइप क्या होता है, समान होता है, वो एक तरह से व्यवहार करते हैं। तो यानी आज का टॉपिक क्या मेरा है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब समझिएगा, आपके बुक में ना कई प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए, जैसे कि MIT क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एस्टोक्लाफी यानी अमेरिकन एसोसिएशन स्टेट हाईवे क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, यानी कई और भी तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो उन सबको नहीं पढ़ना है आपको, आपको किसको पढ़ना है? बस इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या पढ़ना है आपको? इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी आपको पढ़ना है बस इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। क्या पढ़ना है आपको? इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें समझिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि मिट्टी को कितनी भागों में बांटे हैं पहले समझना पड़ेगा। तो कितने प्रकार से हम क्लासिफाइड किए हैं सॉइल को? तीन प्रकार से। कितने प्रकार से क्लासिफाइड किए हैं हम? तीन प्रकार से। कोर्स ग्रेंड सॉइल, क्या हो जाएगा आपका? कोर्स ग्रेंड सॉइल यानी स्थूल कणों वाली मृदा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? स्थूल कणों वाली मृदा। दूसरा हो जाएगा आपका फाइन ग्रेंड सॉइल, क्या हो जाएगा आपका? फाइन ग्रेंड सॉइल यानी सूक्ष्म कणों वाली मृदा। तीसरा हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक, है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनिक सॉइल। हम कह रहे थे मेन तीन ही प्रकार से है, लेकिन आपके बुक में कितने प्रकार से दिया है? चार।
अब जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा ऑर्गेनिक एंड पीट सॉइल, क्या मिलेगा आपको ऑर्गेनिक एंड पीट सॉइल, लेकिन आपके बुक में दिया है आपका ऑर्गेनिक सॉइल को अलग दिया है, और चौथा क्या आ जाएगा आपका पीट सॉइल, यदि पीट सॉइल को क्या दिया है आपका अलग दिया है। तो आपके बुक में कितने हैं आपके चार प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना। इंक डालना भूल गए थे, अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा लाइट चाहिए ना, देख लें दिख रहा है कि नहीं, है ना, थोड़ा सा पतला दिख रहा है, अभी इंक डाल दे रहे हैं, बस समझिएगा। है ना, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने प्रकार से मिट्टी को बांटा है, चार प्रकार से, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ऑर्गेनिक और क्या हो जाएगा आपका पीट, है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ऑर्गेनिक और पीट। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आप जानते हैं, है ना, जैसे समझिएगा क्या हो जाएगा आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। इससे पहले हम समझते हैं सॉइल कितने प्रकार से हम साइज के आधार पर विभाजित किए, समझिएगा, जैसे हम कहें तो क्ले का साइज कितना था, 2 माइक्रॉन से नीचे था। उसके बाद क्या था आपका सिल्ट, तो सिल्ट का साइज कितना था आपका 2 माइक्रॉन से लेकर के 75 माइक्रॉन तक। उसके बाद क्या था आपका सैंड, सैंड कितना था आपका 75 माइक्रॉन से लेकर के 4.75 माइक्रॉन तक। उसके बाद ग्रेवल था, ग्रेवल कितने का था आपका 4.75 mm से लेकर 4.75 mm से लेकर 80 mm तक। उसके बाद बोल्डर कोवल थे, तो उसमें हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, मेरे पास पूरे सॉइल मैकेनिज्म में कितने सॉइल आपको मतलब कि काम आने वाला है, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, बाकी चीज़ों को आप क्या करना है छोड़ दीजिए। अब समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड, अभी आप आराम से 3-4 मिनट ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको 3-4 मिनट ध्यान सुनना है। अभी जब हम सबको एक साथ यूनिफाइड करेंगे तब आपको समझ आएगा कि सर इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे थे, अभी बस थोड़ा 10 मिनट पेशेंसली सुनिए कैसे कैसे हम सिस्टम से लेकर चल रहे हैं। एक क्या है आपके साइज के आधार पे सॉइल के प्रकार। अब समझिएगा कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन कौन आते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, ग्रेवल आता है और क्या आता है आपका सैंड आता है, पता है। फाइन ग्रेन सॉइल में कौन कौन आता है आपको अच्छी तरह से पता है, सिल्ट आता है और क्ले आता है ना, यही चारों प्रकार के हम यहाँ लिखे हैं। अब देखिएगा हम कैसे कहेंगे कि वो ग्रेन कोर्स ग्रेन सॉइल है, कैसे कहेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल है, क्या लेना है आपको, एक चालनी लेना है, क्या लेना है चालनी, ये चालनी कितने माइक्रॉन का रहेगा 75 माइक्रॉन का, ये चालनी कितने माइक्रॉन का रहेगा 75 माइक्रॉन से। अब क्या करना है इसमें मिट्टी को रख के चालना है, इसमें मिट्टी को रख के क्या करना है आपको चालना है, यदि इससे 50% कण गिर जाते हैं तो होंगे फाइन ग्रेन सॉइल, ग्रेन सॉइल यानी ग्रेटर देन 50% पार्टिकल गिर गए तो फाइन ग्रेन सॉइल, चालनी लीजिए इसमें मिट्टी को रख के चालिए, है ना। यदि इस पे 50% से ज़्यादा कण रुक जाते हैं, रिटेन कर जाते हैं, अभी भी चालनी कितने का है आपका 75 माइक्रॉन का, है ना, यदि 50% ज़्यादा कण रुक जाते हैं इसे कहेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल, क्या कहेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल, है ना, क्या हो जाएगा आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। देखिए क्योंकि देखिए सिल्ट और क्ले क्या होते हैं 75 माइक्रॉन से छोटे, देखिए सिल्ट क्या होगा 75 माइक्रॉन से 2 माइक्रॉन, क्ले क्या होगा 2 माइक्रॉन से नीचे, तो 75 माइक्रॉन यदि 50% से ज़्यादा रुकते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा, है ना। 75 माइक्रॉन से बड़े देखिए सैंड और ग्रेवल होते हैं, और 75 माइक्रॉन से ज़्यादा 50% से गिर जाएंगे तो फाइन ग्रेन सॉइल, 75 माइक्रॉन से छोटे होते हैं सिल्ट और क्ले, इतना समझ आ रहा है। अब समझिएगा जब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सॉइल को क्लासिफिकेशन करने में ऐसा होना चाहिए कि हम क्लासिफिकेशन करें तो सबको समझ आए, सिंपल साधारण भाषा में होना चाहिए। और एक बात आता है कि छोटी से छोटी लैंग्वेज में हम दूसरे को आसानी से समझा सकें, ऐसा नहीं लिखेंगे ना कि कोर्स ग्रेंड सॉइल वेल ग्रेडेड, बहुत लंबा चौड़ा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम सॉइल को क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे छोटे वर्ड में दूसरों को हम समझा सकें, तो इसके लिए हम कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं, क्या करेंगे उसके लिए कुछ सिंबल का हम यूज़ करेंगे, अभी आप आराम से समझिए। जैसे कि सिंबल का यूज़ करेंगे हम कहेंगे टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल,
इसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे, समझिएगा, प्रीफिक्स है ना, किस सिंबल से दिखाएंगे, हम कह देंगे ग्रेवल, ग्रेवल, ग्रेवल को किस सिंबल से दिखाएंगे हम, जी से। उसके बाद कहेंगे सैंड, सैंड को किस से दिखाएंगे हम, यस से। उसके बाद हम कहते हैं सिल्ट, सिल्ट को कैसे दिखाएंगे, यम से। उसके बाद आ जाएगा आपका क्ले, क्ले को कैसे दिखाएंगे, सी से। उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को कैसे दिखाएंगे, ओ से। पीट, पीट को कैसे दिखाएंगे, पीटी से। किसे दिखाएंगे आपका, पीटी से। पहले हम देख लें दिख रहा है कि नहीं, तभी तो आप दिखा पाएंगे। अरे अभी तो बहुत जगह है, आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा, क्या बताइएगा कि मतलब कि दिख रहा था कि नहीं, क्योंकि आज हम आए हैं ऑफलाइन क्लास में, जहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना, इसीलिए देखते हैं इसमें कुछ रूम में कुछ है नहीं, तो आवाज़ गूंज भी रहा होगा। तो आपको कमेंट करके सब अच्छे से बता देना कि दिक्कत क्या है, अच्छा क्या है ना, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा वीडियो में। अब इसके बाद आता है एक सब ग्रुप, भाई सब ग्रुप है ना, कि जो आपके पास सवाइल है वो कैसा है। इसमें आ जाएगा सफिक्स, क्या लिखेंगे हम, सफिक्स लिखेंगे। जैसे कि क्लेई, क्लेई को दिखाएंगे हम सी से। सिल्टी, सिल्टी को दिखाएंगे यम से, है ना। उसके बाद आएगा वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड को दिखाएंगे हम डब्लू से। पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड को पी से, है ना। यदि लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो इसे हम कहेंगे यल, यदि लिक्विड लिमिट 35% से अधिक है और 50% से कम है तो कहेंगे इंटरमीडिएट, आई से। यदि लिक्विड लिमिट 50% से अधिक हो जाएगा तो हम कहेंगे हाई। इसका मतलब समझ आ रहा है, लो मतलब हुआ लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगा, है ना, लो कंप्रेसिबल। आई मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, है ना। हाई मतलब, यच मतलब हाई कंप्रेसिबल, ठीक है। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, हाई कंप्रेसिबल। इसके बाद अब आपको क्लासिफिकेशन, अभी हम क्लासिफिकेशन शुरू ही नहीं किए, ठीक है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि आगे किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन आपको पता है, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको लिख दिए। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम आपको लिख दिए। क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि अब जगह नहीं बचा है कि हम इसको रख पाएंगे, इसको मिटाएंगे। नोट करिए, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, है ना। अब हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन किसका, सॉइल का। सबसे पहले हम किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कोर्स ग्रेंड सॉइल, ठीक है, किसका करेंगे, कोर्स ग्रेंड सॉइल। और ऐसा क्लासिफिकेशन करेंगे ना आज तक कभी आप पढ़े हैं, ना ऐसा क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, ओके। चलिए करते हैं, है ना। हाँ, ये बहुत ख़राब कपड़ा है, इसलिए छुपा के हम पोंछ देंगे, आपको दिखेगा भी नहीं। और सेशन को ना शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, है ना। मिटा दें, मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, उसको रहने देते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कोर्स ग्रेंड, कोर्स ग्रेंड, कोर्स ग्रेंड सॉइल का। किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कोर्स ग्रेंड सॉइल का। अब समझिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले कोर्स ग्रेंड में आप किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ग्रेवल का और सैंड का। तो सबसे पहले अब ग्रेवल सैंड के लिए सबसे पहले आप चालनी लेके आइए, क्या लेके आएंगे आप, चालनी लेके आइए, कितने माइक्रान का, फिर वही बात, 75 माइक्रान का, 75 माइक्रान की चालनी लेके आइए, उसमें मिट्टी को रखिए और चाल दीजिए, चालना है ना, क्या करना है, चालना है। चालेंगे तो कुछ कण गिर जाएगा, कुछ कण क्या हो गया, गिर गया, जो गिर गया है ना, जो पास हो गया उसको पास होने दीजिए। ये जो पास हो गया कण, वो कौन से कण है, वो 75 माइक्रान से नीचे वाले कण है, और 75 माइक्रान से नीचे वाले कण क्या होते हैं, सिल्ट और क्ले होते हैं, क्या होते हैं, सिल्ट और क्ले। यानी 75 माइक्रान वाले कण मेरे फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, तो जो गिर गए हम उस पर इंटरेस्टेड नहीं हैं, किस पे इंटरेस्टेड हैं, जो रिटेन कर गए, क्या कर गए, रिटेन कर गए, जो रुक गए, ठीक है। अब रुके हुए मृदा को लीजिए, जो गिर गए उसको फेंक दीजिए,
अब रुके हुए मिट्टी को लीजिए, अब समझिए यानी किस मिट्टी को लेना है। इन 75 माइक्रॉन के चालनी पर रिटेन कर गया है, क्या कर गया है, रिटेन यानी रुक गया है। अब इसको चालिए, किस माइक्रॉन की चालनी से, किस माइक्रॉन की चालनी से चालना है भाई, अब इसको इसको चालना है कैसे बना है, हाँ इसको चालना है किस माइक्रॉन से, 4.75 mm की चालनी से, किस चालनी से चालना है आपको, 4.75 mm की चालनी से। 75 माइक्रॉन से चाले, गिर गया, वो फाइन ग्रेन सॉइल था। अभी हम कौन किस ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल का, है ना। अब समझिएगा, अब 4.75 mm की चालनी लेना है और चालना है। देखिए 4.75 mm की चालनी लीजिए और चालिए। जब चालेंगे तो या तो 50% कण रुकेगा, मतलब इससे अधिक कण रुकेगा, या 50% से अधिक कण गिर जाएगा या फिर रुक जाएगा। दो ही तो हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं बीच में रुका रहेगा, या तो गिर जाएगा या ऊपर रुका रहेगा। तो जो रुक गया उस 4.75 mm से अधिक है, और जो कण 4.75 से 80 mm तक रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेवल। क्या कहते हैं, ग्रेवल। 4.75 से अधिक है तो यानी जो कण 4.75 mm की चालनी पर रुक गया उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, ग्रेवल। क्या कहेंगे हम उसे, ग्रेवल। और जो कण 4.75 mm की चालनी से गिर गया उसे क्या कहेंगे हम, उसे सैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सैंड, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सैंड कहेंगे, क्योंकि 4.75 से नीचे गिर गया तो सैंड हो गया। अब समझिएगा, अब जो सैंड, इतना तो देखिए क्लासिफिकेशन का कितना गजब सिस्टम है। अब आपको पता चल गया कि हम जो सॉइल लिए थे वो क्या हो गया है, या तो सैंड होगा या फिर, या तो ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा। लेकिन अभी आपको ये भी तो जानना है कि सैंड में सभी, ग्रेवल में सभी प्रकार के कण उपस्थित हैं कि नहीं, सैंड में सभी प्रकार के कण उपस्थित हैं कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे आप, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड आप ज्ञात करेंगे। कैसे, इसके लिए निकालेंगे सीसी। ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है जितना हम बता रहे हैं। सीसी निकालने के लिए D30, D10, D60 चाहिए। इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो जब सिस्टम से किया जाता होगा हम आपको बता रहे हैं। जब सीसी निकालेंगे तो एक से तीन के बीच आ गया तब क्या कहेंगे, वेल ग्रेडेड। क्या कहेंगे आप, वेल ग्रेडेड। और क्या हो जाए, जब सीसी एक से तीन के अतिरिक्त मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, पुअरली ग्रेडेड। क्या कहेंगे आप, पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। दिख रहा है ना, वेट ए मिनट, मोबाइल ना बहुत ऊपर लगा हुआ है, हमको डर लगता है कहीं गिर ना जाए। दिख रहा हो तो बताइए, देख रहे हैं, सब सही है। देखिए अब यहाँ क्या है ना, यहाँ जानबूझ के यहाँ चमक रहा है, बहुत बड़े बड़े बल्ब लगे हैं तो यहाँ चमक रहा है, इसीलिए इसको रहने दिया, ठीक है। अब समझिएगा, सिस्टम समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले 75 माइक्रॉन की चालनी ला कर चालिए, इस पर जो रुक गए वो मेरे या तो ग्रेवल होंगे या सेंड हो गए, क्योंकि ग्रेवल सेंड 75 से ऊपर रहते हैं। जो गिर गए उसको फेंक दीजिए और रखे रहिए किनारे, उसको हम फाइन सीव एनालिसिस, मतलब कि फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे। जो 4.75 माइक्रॉन के चालनी पर रुके हैं उसको फिर किस चालनी से चालना है ना। इस पे जो रुके हैं ना, 75 वाले पर जो रुके होंगे 75 पे, इसको ले के आइए और डाल दीजिए किस पे डालना है, 4.75 माइक्रॉन mm। यदि ये वाला मिट्टी 50% से ज़्यादा रुका है तो कहेंगे वो ग्रेवल है, 4.75 से बड़ा है। यदि ये मिट्टी 4.75 mm से 50% से ज़्यादा गिर गए तो कहेंगे हम सैंड है ना, कहेंगे हम सैंड है। सिंपल सा तरीका है, 50% ज़्यादा रुकेगा या 50% ज़्यादा गिरेगा, रुका तो ग्रेवल, गिरा तो सैंड, ठीक है। अब समझिएगा,
फिर हमको यह पता करना है ना कि सैंड में सभी प्रकार के कण है कि नहीं, ग्रेवल में सभी प्रकार के कण है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे आप, सीसी निकालेंगे, कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर। यदि सीसी का मान 1 से 3 आ गया तो कहेंगे कि वेल ग्रेडेड है, यानी इसमें सभी प्रकार के मृदा उपस्थित है, और यदि 1 से 3 के अतिरिक्त आएगा तो वो पुअरली ग्रेडेड, यानी उसमें कुछ साइज के कणों की कमी है। इतना समझ आया? ठीक है, अब समझते हैं, है ना, मिटाते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए, अब समझिए, अब इसको मिटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब सबको मिटा सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। अब समझिएगा, अब आप ना जाइए मार्केट, पढ़ के जाना है, ठीक है, या फिर कहीं और जाइए, आपसे कहते हैं हम जाइए चावल लेके आइए, बना बनाया नहीं, बनाने वाला, खरीद के लाना है। क्या करना है आपको, चावल लेके आना है। तो चावल लेके आएंगे तो चावल एक तरह से क्या हो गया, आप कुछ भी लेकर आइए, चावल दाल कुछ भी, यानी मोटे कणों वाली, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल लेके आना है आपको। तो क्या आप चावल खरीद के लेके आएंगे तो उसमें महीन कण कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। चावल खरीद के लाइए, दाल खरीद के लिए, कुछ ना कुछ तो महीन कण मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका धूल कण, चावल का धूल एकदम, तो छोटे छोटे कण है एकदम छोटे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्केट गए, चावल खरीद के लाए, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या है आपके कण हैं, है ना, छोटे वाले कण। तो छोटे वाले कण आपके लिए क्या हो गए, जो चावल हो गया वो आपके लिए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, लेकिन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में छोटे कण उपस्थित रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अभी भी हम क्लासिफिकेशन शुरू नहीं किए हैं, अब कर रहे हैं, एक तरह से वो क्लासिफिकेशन ही था। लेकिन समझिएगा आप, सबसे पहले ग्रेवल है ना, ग्रेवल, और समझिए ग्रेवल है ना, यदि यदि जो फाइंस है, फाइंस मतलब क्या हुआ, जो छोटे कण हैं, कितना है, 5% से कम है, यदि सूक्ष्म कणों की संख्या 5% से कम है तो किस में मोटे कणों में हम कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, 5% से कम है तो ठीक है। वेट ए मिनट, तो फोन आ रहा है। फाइंस क्या है इसमें, मान लीजिए मेरे पास कोर्स ग्रेन सॉइल है, फाइंस क्या है, 5% से कम है, फाइंस क्या है, 5% से कम है। अब उस मिट्टी को चालेंगे, अब क्या कम फाइंस है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, है ना, 5% से कम फाइन, यानी सूक्ष्म कणों की संख्या 5% से कम है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। अब यदि यदि 4.75 mm के चालनी पर 50% से ज़्यादा कण रुक जाएं तो क्या कहेंगे, उसे ग्रेवल कहेंगे। इसमें भी आपको यही लिख देना है, सेम यही लिख देना है, यदि 4.75 mm के चालनी पर 50% ज़्यादा कण रुक जाएं तो ग्रेवल है। लेकिन आपको ये पता करना है कि ग्रेवल वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है ना। यदि सीसी का मान 1 से 3 के बीच हो तो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। बताइए, यदि सीसी का मान 1 से 3 के अतिरिक्त हो तो क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। क्या हो जाएगा आपका, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सही है। अब देखिए, हम बताए थे ग्रेवल को किससे डिनोट करते हैं, जी से, और डब्लू को वेल ग्रेडेड, ग्रेवल को जी से, पी से पुअरली ग्रेडेड, है ना। तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये 4.75 जो चालनी चाले हैं, इससे पहले आप किस चालनी से चाल चुके हैं, 75 माइक्रॉन की चालनी से आप चाल चुके हैं, इतना पता है। अब क्या करना है, देखिए, यदि क्या करना है, सैंड यदि 4.75 mm की चालनी से 50% से ज़्यादा, 50% ज़्यादा कण गिर जाए, 50% ज़्यादा कण गिर जाएगा तो क्या कहेंगे, सैंड। इसमें भी सेम वही होगा, सैंड। लेकिन आपको यह पता करना है, सैंड पुअरली ग्रेडेड है तो कि वेल ग्रेडेड, तो 1 से 3 के बीच आ जाएगा तो क्या कहेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड। उल्टा पढ़ते हैं वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, इसमें यही रहेगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, सीसी का मान 1 से 3 के अतिरिक्त,
क्या हो जाएगा आपका एक से तीन के अतिरिक्त आ जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग पुअरली ग्रेडेड सैंड। इतना समझ आया, वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड, देखें कितना सिस्टम से आप समझ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब समझिएगा, इसको मिटा रहे हैं, यदि फाइंस कितना है, यदि फाइंस जो है यानी सूक्ष्म कण के FINES सूक्ष्म कण कितना है 5 से 12%, यानी उसमें सूक्ष्म कण थोड़ा सा मतलब कि इफेक्ट डालेंगे सॉइल में, सूक्ष्म कण कुछ इफेक्ट डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया है रेशियो, तो उसके लिए क्या होगा समझिएगा, इसके लिए क्या करेंगे हम डुअल सिंबल का प्रयोग करेंगे, डुअल सिंबल का किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, डुअल सिंबल का। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए लिखेंगे जैसे कि GP GC, इसको हम लिखेंगे पुअरली ग्रेडेड, इस एक किसको दिखाता है आपको, ए दिखाता है आपको कोर्स ग्रेंड सॉइल, किसको दिखाता है कोर्स ग्रेंड सॉइल को, एक किसको दिखाता है फाइन ग्रेंड सॉइल को, फाइन ग्रेंड सॉइल है ना। यानी अभी क्या करेंगे हम इसको 4.75 mm की चालनी से चालेंगे, यदि 50% से ज़्यादा कण रुक गया तो कहेंगे हम ग्रेवल है, लेकिन देखेंगे छोटे कण कितने हैं, कौन से छोटे कण जो 75 microns की चालनी से चल जाएंगे, छोटे कण कितना है, यदि 5% से कम रहेंगे तो पहला वाला कम, यदि 5 से 12% रहेंगे, क्योंकि 75 microns से छोटे ही तो आपको सील टोल के ले आएंगे है ना, 75 microns से चाल के देखेंगे इससे छोटे कण कितना हो रहे हैं, यदि 5 से 12% हो गए तो डुअल सिंबल का प्रयोग करेंगे, इसमें पहला आपका कोर्स ग्रेन दूसरा फाइन ग्रेन दिखाएगा, पहले को लिखेंगे उल्टा लिखे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग या फिर लिख देते विथ लिख सकते हैं विथ क्ले एज ए फाइंस है ना, यानी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल तो है पीस, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ग्रेवल में क्या है क्ले, मतलब क्ले एज ए फाइंस, उसमें क्या मिला हुआ है क्ले मिला हुआ है, ठीक है कैसे कर रहे हैं आपको पता है। अब समझिएगा इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं GP GM मेरे लाल, इसको कैसे लिखेंगे समझिए हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग यम, मतलब मेरा नाम होता है, मेरा नाम नहीं हो गया, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग यम मतलब सिल्ट, दिखाए थे कि नहीं यम मतलब सिल्ट एज ए फाइन, 75 microns के चालनी से हम चाल के देख लेंगे 75 से ज़्यादा है कि 75 से कम है, ठीक है। अब समझिएगा फिर लिख सकते हैं हम इसे, क्या लिख सकते हैं भाई GW GM लिख सकते हैं कि नहीं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग एज ए सिल्ट फाइन के रूप में है ना, फिर लिख सकते हैं GW GC वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग फाइंस के रूप में क्ले है ना, कंटेनिंग ले रहे हैं विथ क्ले एज ए फाइंस, ठीक है फाइंस के रूप में क्ले कंटेनिंग एज ए फाइंस क्ले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SW SC वेल ग्रेडेड सैंड विथ ए क्ले है ना, SP SC पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, SW SM वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, SW SC वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले है ना, आसान देखिए कुछ नहीं है, अब लिख लीजिएगा जितना बोले हैं बदमाशी नहीं। अब क्या हो गया यदि फाइंस क्या हो जाए, फाइंस 12% से अधिक हो जाए, फाइंस क्या हो जाए 12% से अधिक हो जाए, तब अब मोटे कणों में ज़्यादा इफेक्ट डालेगा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम ग्रेवल और सैंड, इस ग्रेवल सैंड पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, 4.75 mm चालनी से चाल दीजिए, 50% ज़्यादा रुक गया तो ग्रेवल, 50% ज़्यादा गिर गया तो सैंड, लेकिन हम देखिए IP निकालेंगे, क्या निकालेंगे IP, ठीक है IP निकालेंगे IP। अब उसमें फाइंस क्या है 12% से अधिक, और जहाँ भी फाइन रहेगा यानी छोटे क्ले रहेंगे वो प्लास्टिसिटी देंगे, क्या देंगे प्लास्टिसिटी, छोटे कण उपस्थित रहेंगे तो क्या देंगे प्लास्टिसिटी, तो IP निकालेंगे यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यदि ये 4 से कम है, यदि ये 4 से अधिक है या फिर 7 से अधिक है, क्या हो जाएगा आपका 4 से अधिक या फिर
सात से अधिक, एन होगा, नहीं चार से कम हो जाएगा आपका, चार से क्या, सॉरी अब समझिएगा, यानी उसमें फाइंस अब 12% से अधिक हो गया, फाइंस क्या हो गया 12% से अधिक हो गया। जब फाइंस 12% से अधिक हो गया तब क्या होगा आपका, फाइंस 12% से अधिक हो गया तो उसमें प्लास्टिसिटी का गुण आएगा, तो प्लास्टिसिटी का गुण आएगा तो आईपी या तो चार से कम होगा, आईपी या तो सात से अधिक होगा। तो आईपी चार से कम होगा ना और सात से अधिक, यानी प्लास्टिसिटी किसकी अधिक है, इसकी, तो क्ले की प्लास्टिसिटी सिल्ट से अधिक होगी, यानी चार से कम प्लास्टिसिटी देगा तो उसे सिल्ट कहेंगे, सात से अधिक प्लास्टिसिटी देगा तो उसे क्या कहेंगे हम, क्ले कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेवल को जी से दिखाते हैं और क्या दिखाएंगे, यहाँ चार से कम है ना तो दिखाएंगे हम यानी सिल्टी ग्रेवल, क्या कहेंगे सिल्टी ग्रेवल। यहाँ देखिए सात से अधिक तो ग्रेवल तो है ही लेकिन प्लास्टिसिटी सात से अधिक दे रहा है तो क्ले, यानी क्ले ही ग्रेवल। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ क्या होगा सैंड, सिल्टी सैंड, यहाँ क्या हो जाएगा आपका सैंड हो जाएगा, क्ले ही क्या हो जाएगा आपका सैंड हो जाएगा, क्ले ही सैंड। तो ये सब क्लासिफिकेशन था किसका, कोर्स ग्रेंड सॉइल का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक क्या होगा मेरा, फाइन ग्रेंड सॉइल, ठीक है। अब फाइन ग्रेंड सॉइल को चाल के थोड़ी देखते हैं, अभी देखिए हम सिर्फ चाल ही रहे थे है कि नहीं, फाइन ग्रेंड सॉइल को चाल के नहीं देखते हैं, वो फाइन ग्रेंड सॉइल ज़्यादा इफेक्ट करता है वाटर से, वाटर कंटेंट। तो उसके लिए हम एक बनाते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। क्या बनाएंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट अभी हम बनाएंगे, उससे पहले आपको सेशन को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, है ना। देखिए हम अपने रूम पे, क्योंकि अब संख्या आप लोगों की कुछ बड़ी है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है रूम पे पढ़ाना, इधर बोर्ड टूटा हुआ है, इधर टूटा हुआ है ना। तो अब व्यवस्था आप लोगों के लिए किए हैं, अब बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, है ना। हो सकता है आवाज़ गूंज रहा हो, और ज़्यादा ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़िए, है ना, क्योंकि फिर हम एक बात वही कहना चाहेंगे, कोर्स आपका कंप्लीट होगा, मेरे बिलीव रखिए, ठीक है। और एग्ज़ाम नहीं आना चाहिए, अभी देखिए मेरा अब लेखपाल वगैरह का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें थोड़ा सा हम डिस्टर्ब होंगे, लेकिन हम उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं नानटेक वाले एग्ज़ाम पे, ठीक है। मेरा फोकस जेई वाले एग्ज़ाम पे रहता है, तो जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर क्या हम सुधार कर सकते हैं इसके वजह, मतलब यहाँ ए लाइट वाला, ए लाइट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, या फिर यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं कभी, या फिर क्या अच्छा है क्या गड़बड़ है आप ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेंड सॉइल। इतना चीज़ें आपको समझ आई है कि नहीं आई है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इतना चीज़ें हम लिख रहे थे, है ना। इधर से पढ़ना है सिल्टी सैंड, क्ले सैंड, है ना, 5% से कम रहेगा। तो यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाए कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करिए 10 नंबर का, इतना लिख देंगे तो किसी का हिम्मत है 1 नंबर कम दे दे, नहीं हिम्मत है ना, मेरा भी नहीं हिम्मत है, तो ठीक है। चलिए उसको कुछ रिवीजन करते हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला क्या है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरा हो जाएगा फाइन ग्रेन सॉइल, तीसरा क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉइल, और चौथा क्या हो जाएगा आपका पीट सॉइल। उसमें हम पिछले वीडियो में क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी स्थूल कणों वाली मृदा का वर्गीकरण। उसमें हम सबसे पहले क्या देखे थे कि 75 माइक्रॉन की चालनी से हम चाले थे, याद है कुछ, किस चालनी से चाले थे हम, 75 माइक्रॉन की चालनी से चाले थे। जो गिर गया उसको हम छोड़ दिए, क्योंकि जो गिर गया वो स्थूल कण, सॉरी वो क्या हो गया आपका फाइन ग्रेन सॉइल हो गया, है ना, और जो इसमें बच गया वो क्या हो गया आपका स्थूल कणों वाली मृदा, है ना। जैसे कि हम कहते क्ले का साइज कितना होता था, आप कहेंगे 2 माइक्रॉन से नीचे। हम कहते सिल्ट का साइज कितना होता था, आप कहेंगे 2 माइक्रॉन से लेकर 75 माइक्रॉन तक, है ना। हम कहे सैंड का साइज कितना होता है आपका, क्या कहेंगे 75 माइक्रॉन से लेकर 4.75 mm तक। और हम कहते ग्रेवल का साइज कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 4.75 mm से लेकर के 80 mm तक। अब समझिएगा, यानी 75 माइक्रॉन से बड़े वाले कण मेरे क्या हो जाएंगे, सैंड और ग्रेवल। इसे हम कहते हैं कोर्स ग्रेंड सॉइल, इसे क्या कहते हैं हम लोग कोर्स, पिछला वीडियो का रिवीजन है पढ़ लीजिए अच्छा करेगा, कोर्स ग्रेंड सॉइल। जो 75 माइक्रॉन से छोटे हैं उसे हम लोग कहते हैं क्ले और सिल्ट, यानी फाइन ग्रेंड सॉइल, यही कहते हैं सूक्ष्म कणों वाली मृदा, फाइन ग्रेंड सॉइल। तो हम
टॉपिक क्या पढ़ रहा था आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रैंड स्वाइल, क्या पढ़ रहे थे, कोर्स ग्रैंड स्वाइल। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 75 माइक्रॉन की चालनी से चालेंगे, जो नीचे गिर गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 75 माइक्रॉन से नीचे वाले कण हो जाएंगे आपके फाइन ग्रैंड स्वाइल। और हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कोर्स ग्रैंड स्वाइल का, इसको करते हैं ख़त्म। अब ये बच रहा है, इसको जो इन्हीं 75 माइक्रॉन वाले पर बचा था उसका हम किस चालनी से चाले थे, 4.75 में। यदि ये वाले कण स्थूल कण वाले हैं, यदि 4.75 से mm चालनी से 50% से ज़्यादा गिर जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो ये कण है वो ग्रेवल है, 50% से ज़्यादा गिर जाता है तो क्या कहेंगे, सैंड है। और 4.75 mm पे 50% से ज़्यादा रुक जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो सॉइल है क्या है, ग्रेवल है। 50% से ज़्यादा गिर जाता है तो सैंड है, 50% ज़्यादा रुक जाता है तो ग्रेवल है, क्योंकि ग्रेवल का साइज 4.75 cm यानी 4.75 mm से बड़ी होती है और सैंड 4.75 से छोटी होती है, 75 से बड़ी होती है तो गिर गया, कह दे 50% ज़्यादा गिर गया तो सैंड है, 50% ज़्यादा रुक गया तो ग्रेवल। यानी हमको क्लासिफिकेशन कर लिया सैंड और ग्रेवल का। फिर बहुत सारे चालनी लगा के हम क्या निकालते हैं, सी सी यानी D30 का स्क्वायर अपन D30 गुणे D10। यदि 1 से 3 के बीच में आ गया तो कहेंगे वेल ग्रेडेड सैंड, दिख तो रहा है ना पूरा, और 1 और 3 के अतिरिक्त आएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, पुअरली ग्रेडेड सैंड, है कि नहीं। सीसी का मान 1 से 3 आ गया, इधर से हम पढ़ते हैं वेल ग्रेडेड सैंड, और 1 से 3 के अधिक आ गया तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल भी कह सकते हैं, या फिर ये पुअरली ग्रेडेड सैंड भी हो सकता है और वेल ग्रेडेड ग्रेवल भी हो सकता है, यानी ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा, यहाँ से मापेंगे उसके बाद या तो पुअरली ग्रेडेड होगा या फिर वेल ग्रेडेड होगा। लेकिन एक कंडीशन तब अप्लाई था जब आपका फाइंस कितना था, 5% से कम था, कितना था, 5% से कम। 5 से 12% के लिए हम किसका यूज किए थे, डुअल सिंबल का, किसका यूज़ किए थे हम, 5 से 12% फाइंस होगा तो किसका यूज़ किए थे, डुअल सिंबल का, जैसे कि GPGC यानी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन, क्योंकि अब जब फाइन की मात्रा हो गया वो मोटे कणों में 5 से 12% हो गया तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, है ना, मोटे कणों में कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाएगा तो उसको भी गणना में लेंगे, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन, ऐसा बहुत हो जाएगा आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट एज ए फाइन, यह मतलब होता है सिल्ट, है ना, पिछले वीडियो आप देखोगे तभी आपको समझ आएगा। फिर हम कह दें SPSC यानी पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन, SWSC हो जाएगा वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें हम कल लिखवाए थे, है ना। उसके बाद क्या देखे थे हम कि यदि फाइंस सूक्ष्म कणों की मात्रा 12% से अधिक हो गया था, अब क्या हो गया, 12% से अधिक हो गया तो कुछ ना कुछ फर्क इफेक्ट डालेगा, किसमें, स्थूल कणों वाली मृदा में अपना प्रभाव वो दिखाएगा। अब देखिएगा, अब स्थूल कणों वाली मृदा में जब फाइंस 12 से अधिक हो गया तो वो या तो ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा, कैसे पता करेंगे, यहाँ से चाल करके। उसके बाद ना 12% अधिक जो फाइन रहेगा, फाइंस का IP निकालेंगे, फाइंस का क्या निकालेंगे हम, IP, यदि IP का मान 4 से कम हो जाए, IP का मान यदि 7 से अधिक हो जाए, IP का मान 4 से कम हो जाए, IP का मान 7 से अधिक हो जाए, ठीक है। यदि IP का मान 4 से कम होगा, आप समझिएगा, आप खुद समझिए, प्लास्टिसिटी कौन सा सॉइल ज़्यादा देगा, क्ले प्लास्टिसिटी अधिक देगा कि सिल्ट प्लास्टिसिटी अधिक देगा, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, सर क्ले ज़्यादा प्लास्टिसिटी देगा, किसके अपेक्षा, सैंड के अपेक्षा, सॉरी सिल्ट के अपेक्षा क्ले ज़्यादा प्लास्टिसिटी देगा। तीसरे हम कहेंगे यदि IP 4 से कम हो जाएगा तो कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रेवल है, लेकिन कौन सा ग्रेवल है, हाँ 4 से कम है तो कहेंगे सिल्टी ग्रेवल है, यही ग्रेवल। यदि IP का मान 7 से अधिक हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, क्लेई ग्रेवल है, कौन सा ग्रेवल है, क्लेई ग्रेवल है। IP अधिक हो गया 7 से, देखिए क्ले, IP 4 से कम तो सिल्ट, क्योंकि प्लास्टिसिटी किसका ज़्यादा होगा, क्ले का ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह हम तो पहले से पता कर लिए थे सैंड है, लेकिन सैंड में क्या सैंड है, उस सैंड में जब 12% से अधिक उसमें छोटे कण हैं, महीन कण हैं, तो महीन कण में क्या अधिक है, सैंड अधिक है कि सिल्ट अधिक है, तो IP यदि 4 से कम है तो सैंड तो होगा ही, लेकिन कौन सा सैंड, सिल्टी सैंड।
यदि आई पी 7 से अधिक है तो सैंड से होगा ये, लेकिन क्लेई सैंड। क्या हो जाएगा आपका? क्लेई सैंड। ठीक है, इतना हम पढ़े थे, तो फिर क्यों पढ़ाए? क्योंकि नया क्लास शुरू करने से पहले पीछे का समझ दिया जाता है, कहाँ कहाँ तक क्लासें चल चुकी हैं। समझे बच्चे, दिल के सच्चे? अब देखिए, तो आज किसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेंड सॉइल। फाइन ग्रेंड सॉइल किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? फाइन ग्रेंड सॉइल। अब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि फाइन ग्रेंड जो सॉइल होता है वो क्या होता है? क्ले और सिल्ट। और ये भी जान चुके हैं कि फाइन ग्रेंड सॉइल का मेन प्रॉपर्टी क्या होता है? प्लास्टिसिटी देना। फाइन ग्रेन सॉइल में प्लास्टिसिटी का गुण होता है, यानी इसको हम किसी भी आकार में डाल सकते हैं। चिकनी मिट्टी समझ लीजिए जैसे कि एग्जांपल में। लेकिन क्या सिल्ट को, सॉरी, क्या सैंड को एकदम पतला महीन पीस देंगे तो उसको किसी भी आकार में डाल सकते हैं? नहीं। क्या ग्रेवल को एकदम महीन पीस दीजिए, चिकनी मिट्टी से भी महीन पीस दीजिए, किसको? ग्रेवल को और बालू को, सैंड को, फिर भी उसको उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं आएगा। तो कहने का मतलब फाइन ग्रेन सॉइल का मेन गुण क्या होता है? प्लास्टिसिटी का। इसको किसी भी आकार में हम डाल सकते हैं, लेकिन बालू को और ग्रेवल को, यानी सैंड को या ग्रेवल को कितना भी महीन कर देंगे वो किसी भी आकार में, यानी उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल किसके आधार पर कहते हैं? बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। किसके आधार पर करते हैं हम लोग? प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर। फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करते हैं? प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर। ठीक है, और समझिएगा, इसके आधार पर ना हम प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर क्या करेंगे? वाई एक्सिस पे क्या करेंगे? हम ग्राफ खींचेंगे। यक्स एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी रखेंगे। आईपी क्या होता है? WL-WP, है ना, सुघट्यता सूचकांक आईपी रखेंगे। यक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रख देंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग रखेंगे लिक्विड लिमिट। क्या रखते हैं? लिक्विड लिमिट। किसको रखेंगे हम? लिक्विड लिमिट को। समझ रहे हैं? यानी प्लास्टिसिटी चार्ट बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के सापेक्ष हम क्या करें, के बीच हम ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से ऐसा खींचेंगे, ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब ऐसा कहाँ से ग्राफ मिला? क्योंकि AIS कोड द्वारा हमको बता दिए सब कि ऐसा ही ग्राफ मिलता है, तो हमको ऐसा ही बना लेना है, है ना। इसको हम डेरिवेशन करके नहीं ला सकते। अब समझिएगा, इसे हम कहते हैं ए लाइन। क्या कहते हैं? ए लाइन। इसका फार्मूला क्या होता है? ए लाइन का फार्मूला 0.73 WL-20। क्या होगा आपका? आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? WL-20 होता है। अब क्या करेंगे? ए 20% से हम शुरू करते हैं, हम इसमें कोई मतलब नहीं, 20% से बस जान दिए शुरू करते हैं। अब ऊर्ध्वाधर भाग में दो लाइन खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर भाग में क्या करेंगे? हमको दो लाइन मिलता है। अब पता कर बता, अब समझिएगा, लिक्विड लिमिट ए हो गया आपका 35%, यहाँ क्या हो गया? लिक्विड लिमिट 50%। अब याद करिए, पिछले क्लास में हम कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स लिखाए थे, तो सफिक्स में क्या लिखाए थे? यदि लिक्विड लिमिट 35% से कम होगा तो लो कंप्रेसिबल, इसको हम यल से दिखाए थे। दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, बताओ मित्रों, दिखाए थे ना। अब समझिएगा, अब 35% से क्या हो जाए? लिक्विड लिमिट 50% से कम हो जाए, और क्या हो जाए आपका? 35% से अधिक हो जाए, है ना। लिक्विड लिमिट 35% से अधिक, 50% कम, तो इसे हम इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल कहे थे, है कि नहीं। और लिक्विड लिमिट 50% से अधिक हो जाए तो क्या कहेंगे? हाई कंप्रेसिबल, है कि नहीं मित्रों, ऐसा बताए थे कि नहीं? लो कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल बताए थे। देखिए, 35% से कम आ गया तो लो कंप्रेसिबल, 35 से 50 के बीच आ गया तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और 50 से अधिक आ गया तो हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, दूसरे का नकल नहीं करना है, मज़ा नहीं आता बोलने में।
मेरा भी दिखेगा, है कि नहीं मेरा भाई, सही है कि नहीं है। अब देखिएगा ए लाइन के ऊपर जब जाएंगे, इसको मिटाते हैं, लिख दीजिएगा, लिख लीजिएगा बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। ए लाइन के जब ऊपर जाएंगे तो ए लाइन के ऊपर आपको मिलेगा क्ले, क्या मिलेगा क्ले, तो मिल जाएगा आपका हाई क्ले, इंटरमीडिएट क्ले, लो क्ले, ऐसा बोलेंगे नहीं, लग रहा गमारों की तरह, हाई क्ले ऐसा नहीं बोलना, क्या बोलना है उल्टा पढ़ना, इतना तो आप जानते हैं क्लासिफिकेशन उल्टा पढ़ते हैं। हाई कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, अच्छा लग रहा है, हाई कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, एक क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, लो कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, यानी इसके ऊपर वाले मृदा क्या मिलेगा आपको, क्ले मिलेगा, इतना तो ठीक है ना, क्योंकि जैसे आईपी बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर आईपी ही तो बढ़ेगा, आईपी बढ़ने से क्या होने लगता है आपका क्ले का आईपी ज़्यादा होगा, किसके अपेक्षा सिल्ट के अपेक्षा, है ना, तो ये क्या हो गया आपका सिल्ट हो गया। हाई कम देखिए समझिए, 50% से इधर है तो हाई है, हाई हाई, 35 से 50 के बीच है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, 35 से अधिक है तो लो कंप्रेसिबल, ए लाइन के ऊपर वाले क्ले हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिसिटी ऊपर जाएंगे तो अधिक मिलता है, क्ले की प्लास्टिसिटी अधिक होगा किसके अपेक्षा, सिल्ट के अपेक्षा, यम के अपेक्षा, इसे क्या कहेंगे हाई कंप्रेसिबल सिल्ट सॉइल, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट सॉइल, लो कंप्रेसिबल सिल्ट सॉइल, नीचे ही होता है मेरा हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, इसको मिटाएं हम। अब समझिएगा यहीं पे आता है आपका, यहीं पे आता है क्या ए वाला सिंबल, ठीक है, और देखिए एक ऐसा नहीं वहीं मिलेगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, देखिए ये तो आईपी है ना, तो आईपी कितना मिल जाए 4, आईपी इज इक्वल टू मिल जाए 7। अब दिमाग नहीं लगाए हम बताए थे, तो जब पिछला कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसमें हम जब लिखवाए थे फाइंस 12% से अधिक हों, क्या लिखवाए थे हम, फाइंस किससे अधिक हों, 12% से अधिक हों, तो क्या लिखवाए थे बताइए, सेंड था ग्रेवल था, यदि आईपी का मान 4 से कम हो जाए तो क्या कहेंगे, सेंड तो था ही लेकिन क्या, कौन सा सेंड था आपका, सिल्टी सेंड, यही आईपी का मान 7 से अधिक था तो क्या था आपका, क्ले सेंड, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए था कमेंट में, पिछला वीडियो देखे थे तो बच्चों कमेंट में आप लोगों का मैसेज नहीं आता है, बताइए आपका क्वेश्चन आना चाहिए ना, सर आईपी का मान 4 से 7 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं, ऊपर देखिए इसमें भी तो वही होगा, आईपी का मान, आईपी का मान जब 4 से अधिक है तो हम कह दे रहे हैं सिल्ट है, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 7 से अधिक है, 4 से कम है तो सिल्ट, 7 से अधिक है तो क्ले, लेकिन 5 आईपी आ जाए तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, 5 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 6 आईपी आ जाए तो क्या कहेंगे, तो इसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे क्या कहेंगे, मतलब कि कुछ भी कह सकते हैं, क्या सर कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे कुछ भी कह देंगे, ऐसा समझिएगा, इसको हम CLML मतलब क्या हुआ, मतलब कि कन्फ्यूज हम हैं, कन्फ्यूज हैं कि आईपी जब 5 आ जाएगा तो हम कन्फ्यूज रहेंगे कि सिल्ट है कि वो क्ले है, बात को समझ रहे हैं, आईपी कितना आ जाए 4, जैसे कि मान लीजिए कहीं मैच हो रहा है ना तो दोनों का रन बराबर हो जाए तो कन्फ्यूज रहेंगे, उसको जिताएं किसको जिताएं, है ना, तो किसी को भी जिता सकते हैं, है ना, अब क्रिकेट का एग्जांपल नहीं लेना है कि सर वहाँ तो एक ओवर फेंका जाता है विकेट गिराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कहने में जब 4 आ गया 4 से कम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि सिल्ट है, 7 से अधिक आईपी आ गया तो क्ले है, लेकिन 5 आ गया या फिर 4 और 7 के बीच में कुछ आ गया तो हम कन्फ्यूज रहेंगे, उस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज़्यादा है कि सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो हम इसे डुअल नेचर डुअल सिंबल कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, देखिए लिखें लो, देखिए 35 से इधर है तो लो सिल्ट, लो कंप्रेसिबल सिल्ट या फिर लो कंप्रेसिबल क्ले, दोनों कह सकते हैं, ठीक है, आपको बुक में दिया रहेगा, ऐसा तो कन्फ्यूज नहीं कर, दोनों कैसे लिख दिया, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल क्ले कह दिए, बात को समझ रहे, कुछ भी कह सकते हैं जब आईपी का मान 4 और 7 के बीच में हो, ठीक है, तो यही था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, यही था, तो यही था, इससे इसके अलावा कुछ नहीं है, समझ आया नहीं है, फिर देखिए कैसे लिखना है आपको, अब इसका हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, अभी नहीं लगाएंगे कल लगाएंगे, लिखना है आपको कि सूक्ष्म कणों वाले मृदा का मान
75 माइक्रॉन से कम होता है। और हम ये भी जानते हैं कि सूक्ष्म कणों वाली मृदा में प्लास्टिसिटी का गुण होता है जो स्थूल कणों वाली मृदाएं में नहीं होता है। इसलिए सूक्ष्म कणों वाली मृदा का वर्गीकरण प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर किया जाता है। प्लास्टिसिटी चार्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच बनाया जाता है। लिक्विड लिमिट के बीच और वाटर कंटे प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच हम प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष पे यानी वाई अक्ष पे आईपी को रखते हैं तथा लिक्विड लिमिट को एक्स अक्ष पे रखते हैं। ऊर्ध्वाधर में दो लाइनें खींचते हैं जो लिक्विड लिमिट 35% और लिक्विड लिमिट 50% को दिखाते हैं। यदि सॉइल की लिक्विड लिमिट 50% से अधिक हो तो उसे हाई कंप्रेसिबल सॉइल कहते हैं। यदि 35 से 50% हो तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल कहते हैं और 35% से कम हो तो उसे लो कंप्रेसिबल सॉइल कहते हैं। इतना कहते हैं। उसके बाद इसके एक ए लाइन मिलता है। ए लाइन का फार्मूला ए होता है 0.73 WL-20। ए लाइन के ऊपर वाले सॉइल को क्ले कहते हैं तथा ए लाइन के नीचे वाले सॉइल को सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा जहाँ CH=2 क्या है, हाई कंप्रेसिबल मेरे लाल हाई कंप्रेसिबल क्ले सॉइल है ना। सारे लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, लो कंप्रेसिबल। MH क्या है, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। OH क्या है, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। क्या है आपका, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। तो आपका क्या कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब देखिएगा, हम बता रहे हैं ना आपके बुक में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है तो उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, पूरा मार दीजिए इग्नोर। बस आपको क्या पढ़ना था, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में मिट्टी को कितने प्रकार से बांटा था, चार प्रकार से है ना। कोर्स ग्रेन सॉइल पिछले वीडियो में पढ़े थे, फाइन ग्रेन सॉइल पढ़ रहे हैं अभी, मतलब खत्म कर चुके। ऑर्गेनिक, इसी में ऑर्गेनिक भी आ गया है ना। उसके बाद पीट में हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते, उसको छोड़ देते हैं। तो आपका क्लासिफिकेशन सॉइल, मतलब सॉइल का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। उसके बाद साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन हम बहुत पहले लिखवा दिए हैं। कैसे लिखवाए थे, याद करिए मेरे साथ। 2 माइक्रॉन से नीचे वाले कणों को क्ले कहते हैं, 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन वाले कणों को सिल्ट कहते हैं, 75 माइक्रॉन से 425 माइक्रॉन वाले कणों को, फिर लिखवाना पड़ेगा बदमाश बच्चे। देखिए 2 माइक्रॉन से नीचे हो गए और क्या हो गया, 2 माइक्रॉन से लेकर 75 माइक्रॉन है ना, 75 माइक्रॉन से लेकर 425 माइक्रॉन, 425 माइक्रॉन से लेकर के 2 mm, 2 mm से लेकर के 4.75 mm है ना, 4.75 mm से लेकर के 20 mm, ठीक है मेरे लाल, 20 mm से लेकर के 80 mm, 80 mm से लेकर के 300 mm और 300 mm से अधिक। एक क्या था आपका क्ले, क्या था आपका क्ले, एक क्या था आपका सिल्ट। ये मोटे कणों के आधार पर है ना, साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन। ये भी तो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, कह देगा सॉइल का क्लासिफिकेशन साइज के आधार पर करिए, तो इसको लिखना है बच्चे, इसको उसको नहीं लिखना है, साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन है। फिर आ जाएगा आपका, इसे कहते हैं लोग फाइन सैंड, क्या कहेंगे फाइन सैंड, इसे कहेंगे मीडियम सैंड, क्या कहेंगे मीडियम सैंड, इसे कहेंगे कोर्स सैंड। अरे नहीं, हाँ ठीक है, इसे कहेंगे, हाँ इसे कहेंगे हम लोग फाइन ग्रेवल, क्या कहेंगे फाइन ग्रेवल, इसे कहेंगे कोर्स ग्रेवल, क्या कहेंगे मेरे लाल कोर्स ग्रेवल, इसे कहेंगे हम लोग कोबल, इसे कहेंगे बोल्डर, क्या कहेंगे बोल्डर कहेंगे। इन दोनों को कहते हैं हम लोग फाइन ग्रेंड सॉइल, क्या कहते हैं फाइन ग्रेंड सॉइल मेरे लाल, कहते हैं कि नहीं। इन तीनों को कहते हैं सैंड, इन तीनों को क्या कहते हैं सैंड, इसको नोट कर लीजिएगा, इस तीनों को कहते हैं सैंड। इन दोनों को क्या कहते हैं ग्रेवल, इन दोनों को क्या कहते हैं भाई ग्रेवल, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, पढ़ते नहीं हम,
लेकिन इन दोनों को तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल, क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल, है ना। तो अभी तक ये क्या है, आप कहा जाएगा कि मिट्टी का क्लासिफिकेशन करिए साइज के आधार पे, तो एक किसके आधार पे है, साइज के आधार पे है, ठीक है। बाकी कह देगा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करिए, तो आप इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो रहने देते हैं। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, है ना। तो और चैनल को शेयर करिए, ठीक है, फाइनली हम यही कहेंगे, चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। यदि आप चाहते हैं कि डिप्लोमा के कोचिंग में एक ऐसा टीचर आए जो सबकी भला करें, है ना, अब देखेंगे अच्छा खासा। अब कैसे हम बताएं आपको, हम इतना आपके लिए प्लान किया है, बस आप चैनल को चलाइए, उसके बाद देखिए एक नया क्या होता है, क्रांति रिवॉल्यूशन आएगा डिप्लोमा के क्षेत्र में, ठीक है, और फर्जी काम वाला रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, आप लोग खुद देखेंगे। तो ज़्यादा हम क्या कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोशिश करिए पहुँचाइए, अब बस पहुँचा दीजिए, क्योंकि दो चार लेक्चर देखने के बाद तो समझ जाएंगे कि वो कहाँ पढ़ते हैं सब और यहाँ पढ़ने में फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और क्या करना है आपको, टेलीग्राम जुड़ जाना है, टेलीग्राम में हम वीडियो को शेयर कर देते हैं, इंस्टा पर फॉलो करिए, और एक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, बहुत कुछ करना होता है, ठीक है, आप अपने मन से कर दीजिएगा जो करना होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।